हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से चैनल में। आज लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी जो भरी गर्मियों में आपको राहत देगा और वेट भी लूज़ करेगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। शेक तो आपने बहुत पिए होंगे लेकिन इतना हेल्दी और पौष्टिक अभी तक नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो भुना हुआ चना होता है उसे हमें छील लेना है, और छीलने के बाद कोई भी आप मेज़रमेंट ले लीजिए, कटोरी से या कप से। ये देखिए पूरा छिलका इसका हटा चुकी हूँ, और कोई भी कप या कटोरी कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे आपको सारा मेज़रमेंट करना है। तो एक कप मैंने यहाँ चना लिया है, आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, और जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ 250 ग्राम का कप भर के मैंने चना लिया है, और इसे हल्का सा ही भूनना है ताकि हम जब पीसें तो बहुत ईजली ये पिस जाए। बस ये थोड़ा गर्म हो जाए और हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसे हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जिस कप से हमने चना लिया था उसी कप से नाप के 2 कप हमें यहाँ मुरमुरा लेना है, और मुरमुरे को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। केवल 1-1 मिनट ही करना है, 1 मिनट से कम भी कर सकते हैं, वो मुरमुरे के ऊपर डिपेंड है। कि मुरमुरा यदि सीला हुआ है तो उसको 2 से 3 मिनट कीजिएगा, यदि मुरमुरा आपका बिल्कुल कुरकुरा है तो उसे केवल 1 मिनट से कम ही कीजिएगा। तो ये भी अच्छे से कुरकुरा हो चुका है। अभी मैं आपको थोड़ा हाथों के बीच में इसको दबा के दिखाती हूँ उंगली से। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल कुरकुरा सीलावा नहीं रहना चाहिए। तो इसे भी हम उसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी कप से नाप के मैंने यहाँ मखाना लिया है, और मखाने को भी रोस्ट कर लेते हैं। इसमें घी वगैरह का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, केवल सूखा ही भूनना है। मखाने के साथ यहाँ मैंने सफ़ेद मिर्चें ली हैं और काली मिर्चें ली हैं। काली मिर्चें इसलिए ली हैं क्योंकि वेट लूज़ करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और दखनी मिर्च जो सफ़ेद मिर्चें होती हैं वो मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि पूरा दिन आजकल जो मोबाइल पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो जिस टाइम आप इसे पियेंगे तो आपकी आँखों को बहुत राहत मिलेगी। आपकी आँखों की जो रोशनी है उसे ये बरकरार रखेगी। और थोड़े से लिए हैं मैंने खरबूजे के बीज, एक साथ इसे रोस्ट कर लेते हैं, और इसे भी उसी में ट्रांसफ़र करेंगे। जब भी आप शेक बनाएं तो वाइट मिर्चों का आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही हमारी आँखों के लिए ये हेल्दी होती हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे हम बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लेते हैं। एक शेक वो होता है जो हम मॉर्निंग में पीते हैं, और एक शेक होता है जो हम इवनिंग में पीते हैं। तो ये स्पेशली मैं इवनिंग के लिए बना रही हूँ। मॉर्निंग का शेक मैं अभी अपलोड नहीं किया है, 1 या 2 दिन में कर दूँगी। ये इवनिंग में आप बना के पी सकते हैं, इवनिंग में इसलिए कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इसमें दखनी मिर्चों का इसलिए यूज़ किया गया है कि यदि आप इवनिंग में 7 या 8 बजे के करीब पियेंगे तो आपको बाद में इतना काम करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपकी बॉडी को आपकी आँखों को ये बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो इसे पीस के इस तरीके से छलनी में छान लेना है। जो मोटा वाला पार्ट है उसे अलग से पीस के ले सकते हैं, या उसमें थोड़ा दूध मिला के उसका अलग से शेक बना के पी सकते हैं। फिलहाल इसे हम किसी डब्बे में स्टोर कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा चना मुरमुरे का शेक, बहुत ही हेल्दी है और लाइट है, हैवी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, केला, सेब, खरबूजा, कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास इस टाइम खरबूजा है,
तो इसकी केवल हमें एक फांक लेनी है, एक गिलास में एक ही फांक लेनी है। केला यदि लेंगे तो आप हाफ केले से भी आपका काम चल जाएगा, पूरा केला नहीं लेना है। जो हमने ये शेक पाउडर बनाया है इसके 2 स्पून भर के हमें इसमें पाउडर ऐड करना है। इसे आप देखिए 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ये 2 खजूर पानी में भिगो के रखे हुए हैं, आप इसे दूध में भी भिगो के रख सकते हैं। यदि आपको इवनिंग में बनाना है तो आप मॉर्निंग में इन्हें भिगो दीजिएगा। 1 गिलास दूध मैंने ऐड किया है। इसे 2 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, दूध के साथ भी तैयार कर सकते हैं और पानी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैट है तो इसे पानी में बनाइएगा, और यदि नॉर्मल है, अच्छा शाम को शेक वगैरह का आपको हैबिट है और हेल्दी आपको चाहिए तो आप इसे दूध में बनाइएगा। ऊपर से थोड़ा डाला है मैंने बादाम, तो इस तरीके से बहुत ही लाइट शेक है, कोई इसमें हैवी वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इवनिंग में आप खाने की जगह इसको ले सकते हैं, क्योंकि दिन में तो आपने हैवी खाना खाया है और शाम को जब वेट लूज़ करना हो तो खाना नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ आपका वेट लूज़ करेगा। यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।